नमस्ते, मैं आरती खवल लहरिया से। आइए आज 13 फरवरी 2019 की दिन भर की मुख्य खबरें जानते हैं। अयोध्या में मवेशी से लदी पिकअप को बीकापुर पुलिस ने पकड़ा, एक तस्कर भी गिरफ्तार। अयोध्या के तारुण ब्लॉक में विद्युत उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता की मनमानी से उपभोक्ता परेशान। 10,000 से नीचे के बकायदेदारों को भी काटी जा रही है कनेक्शन। अयोध्या के जनपद बीकापुर विकास खंड क्षेत्र में विद्यालय की लापरवाही से हाई स्कूल की छात्रा बोर्ड परीक्षा से हुई वंचित। छात्रा के पिता ने शिकायत उच्च अधिकारियों से किया। चित्रकूट में तेल व्यापारी के जुड़वा बच्चों को बदमाशों ने स्कूल बस से पिस्टल की नोक पर किया अपहरण। 24 घंटे बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। अयोध्या में सपा जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव समेत एक दर्जन से अधिक अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कुतवाली नगर में दर्ज हुआ मुकदमा। कल रीडगंज चौराहे पर प्रदेश सरकार का फूंका था पुतला। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां एक बेटे ने शराब के नशे में चूर होकर अपनी 86 वर्षीय माँ से दुष्कर्म कर दिया। इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब उसके पड़ोसी घर में आए और बिस्तर पर पड़ी बीमार महिला रोती हुई दिखाई दी। दिल्ली के लोकसभा में पीएम मोदी के मुरीद पर मुलायम सिंह कहा दोबारा बने प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव से पहले देश में पूर्व सपा और मैनपुरी से सांसद मुलायम ने लोकसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनना चाहिए। तो ये थी दिन भर की मुख्य खबरें। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।